हाँ मुझे गाली दी है तुम्हारी बहू ने। हाँ सास को गाली दी है, सास ने बहू को गाली दी है। नहीं माँ, हाँ तुमने भी गाली दी है। मैंने नहीं गाली दी है। ठीक है कोई बात नहीं है, किसी ने किसी को गाली नहीं दी है, तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ। बेटा यहाँ तो कुछ नहीं आया है, क्या पागल हो रहे हो क्या? तुम्हें किसने बता दिया? हो सकता है शायद पागल हो। प्यार एक ऐसी चीज है, प्यार में दुनिया पागल हो सकती है। रेबा के इस मोहब्बत में मैं पागल ही समझ लूं, मैं दीवाना हूं। इस कागज के पीछे रेबा तो रानी पे चल गई मेरी महलान में। अरे रेवा रे रानी रे भी चली मेरी महलान में। अरे कल से खाना खाओ मेरी रेवा रानी नैना। जब मेरे पास कुछ नहीं है तो नहीं। ठीक है तुम्हें बताया क्या रेवा ने? यही बताया है कोई ऐसी चीज आई है, आज माँ और पिताजी ने दोनों ने छुपा कर रख ली है। क्या कोई खाने वाली चीज है बेटा? नहीं है। क्या कागज बताया है? हाँ हाँ कागज भी पता है कि माँ को भी मालूम है और पिताजी को भी मालूम है। हाँ बेटा कागज तो आया है, ये तो सच बात है। आया कागज? बिल्कुल आया है। वो कहाँ से आया है? वो कहाँ से आया मालूम नहीं है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम है। अरे नाना तुम्हारे मर गए मेरे बेटा समुद्र तो सिकिल के। क्या मेरी नाना की मृत्यु हो गई है? हाँ उनके तेरहवीं का निमंत्रण का पत्र आया है। हाँ ए मैया, हाँ तुमने नाना रे मरे कोरे मैया ओ तू नायदारो। अरे नाना रे मरे कोरे मैया ओ तू नायदारो। हमारे ढंग लगी रहो बेटा से तुम नहीं हो भेजा छुपाए। नहीं बेटा आपसे मैं भेद नहीं छुपा रही हूँ। आज पिताजी दरबार से घर के लिए आए थे? आज नहीं आए थे। नहीं आए आज? नहीं। रानी रेवा तो कहती दोनों को ही मालूम है, तो इस राज का पता चलना चाहिए। अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? पिताजी को बुला के लाऊंगा। क्यों? ये सारा हाल दोनों को ही बताऊंगा मैं। कौन बढ़ावे जाल देर नहीं जब ढोलानी लगाई है। हाल दरबार ढोला के पिता का ढोला पापों जा जब जाई है। नमस्ते पिताजी। चिरंजीव रहो बेटा। ढोल कुमार चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? क्या कारण है मुख पर खुशी के चिन्ह नहीं? अगर कहता हूँ तो सब राज खुले जाते हैं, खामोश रहता हूँ तो अरमान रह जाते हैं। सुनाऊंगा इस दर्द जिगर की कहानी, कहानी को सुनकर भर लाओगे नैनों से पानी। मुझे सुनाइए वो दर्द जिगर की कहानी की जिस कहानी को सुनकर के मैं क्यों भर लाऊंगा नैनों से पानी। कहानी तो बड़ी लंबी है लेकिन एक संक्षेप रूप में समझा रहा हूँ कि आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ। पूछो कि आज दरबार से महल के लिए गए या नहीं? अभी महलों से तो आया हूँ, थोड़ी देर हुई है। क्या अभी आयो? और क्या, ये क्या राज है? माने का कि पिताजी नहीं आए हैं
गलत कह दिया होगा उनने। और आप कहते कि अभी आया हूं। बिल्कुल। तो आप जिस वक्त गए थे तो माँ से मिलकर आए थे। बिल्कुल। तो अब जल्दी चलो। क्यों, क्या हुआ है? माँ के पेट में दर्द होता है। इतनी जल्दी दर्द क्यों होने लगा? लापता। अरे चलो बेटा। नमस्ते माता जी। चिरंजीव रहो। नमस्ते महाराज। चिरंजीव रहो। कहिए प्रिय देवंती। हाँ। तुम्हारे कहाँ दर्द होता है, उधर में या जिगर में? अरे मेरे दर्द कहीं नहीं होता है। फिर मुझे बेटा ढोल कुमार के द्वारा क्यों बुलवाया? अरे किसने बुलाया? तुमने नहीं बुलवाया? नहीं तो क्यों बेटा? बेटा ढोल कुमार। हाँ। तुमने मुझसे झूठ कह दिया बेटा, ये बतलाओ। आज दिन तक कभी हमसे झूठ नहीं बोले, आज तुम ये झूठ बोल रहे हो। माँ तुम्हारी कह रही है कि मैंने नहीं बुलाया। अगर मैं झूठ नहीं बोला हूँ, आज झूठ बोला हूँ, तो आज तुम लोग भी झूठ बोले हो। मैं लोग क्यों झूठ बोले? कि आप आज आए। बिल्कुल, मैं तो आया था। आपने क्या कहा था? अरे मैंने ये कहा था कि आज नहीं आए थे, तो आज ये क्या हमारे पास नहीं आए थे? तो कोई बात नहीं, उसमें तुमने भी तो कह दिया कि पिताजी माँ के पेट में दर्द होता है, उनके कहाँ दर्द होता बोला। तुम भी झूठ बोले। या तीनों ही झूठा है? तुम भी झूठ बोले। क्यों? कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे स्थलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू भी आ सकती है अगर कागज में तेल हो। क्या तात्पर्य इसका? मतलब ये है कि आज क्या चीज जो आई है बाहर से, क्या बेटा को बता नहीं सकते हो? क्या बहू को नहीं बता सकते हो? अरे कुछ नहीं आई, क्या बता दूं। एक पिता और माता के लिए दुनिया में बेटा से बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं। ये तो मैं भी जानता हूँ, मैं तुम्हें प्राणों के समान मानता हूँ। फिर क्या बात है? लाओ वो कागज कहाँ है? वो तेरहवीं वाला। हाँ। अरे बेटा तुम नहीं जानते, मरे हुए का कागज घर में नहीं रखा जाता है। फाड़ डाला? हाँ। लाओ टुकड़े दिखाओ। अरे टुकड़े तो जला दिए, राख हो गए हैं। और क्या? तारे को दुख मनिया, हम पैप न कर हो ना जाए, मेरी हाथ जोड़ी का पिता बिनती है, हमारी खता माफ हुई जाए। कि मारता कटारी बेटा ढोला तुम्हारो मारी जाएगो। मारी रो है कटारी पिता देख हिमता मारे मारी जाएगी। क्यों मर जाओगा, क्या दुख है तुम्हें? कागज गरम लेगो ढोला बेटा को बुना। रानी दवंती। हाँ। काम नहीं चलेगा। अरे बेटा। हाँ। अकेले तुम जन्मे मेरे बेटा, मेरी तो कोखिते और दूजा बेटा मुँह तो लागन करे मेरे ना। ऐसी बातें क्यों करते हो मरने जीने? छोड़ दो बेटा, तुम्हें क्या मतलब है? कोई कागज भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है, मरने की कोशिश मत करो। याद रखो जिंदा रहे तो बेटा तुम रहो नहीं मिलेगो। हमारो कतारी अपने सीना आप है। याद रखो इस कटारी को खा लूंगा। रुक जा बेटा। लो
ये लो कागज, जरा से कागज पर झगड़ा किया। कागज पर लिखा क्या है? कुछ नहीं लिखा है, वो कागज हमें दे दो बेटा, तुम्हारी गलती हो गई। देख लूं क्या लिखा है, कोरा कागज है क्या लिखा हुआ है? सासु तो ससुर का लिख दो पैया आचुईबो, और बालम को लिख दई तलाक। ऐसा लिख रो है अनहोनो, साफ लिख दिया है मोटे अक्षर में मारू रानी को घोड़ो के हे जलाता बंसता बता तू नारा बारा मैं मराता को बंसा बता तू अरना। हतनी तो मनी मत डोले पियाया मैं पियाया कुछ को लगाई ना। आपके लिए इसके लिए तलाक लिखती हूँ, डल ही डल बाप्याऊ करो है गौने की याद गई बिचुराए। मैं उसके लिए तलाक लिखती हूँ तुम्हारे लिए, जो कि तुमने विवाह करके एक बचपन में शादी की गौने की याद नहीं लिए। मैं आपके लिए तलाक लिखती हूँ इस बात की, तो किस बात की? तुझिया तो बलता तेरे राखी अपनी तो बहना की दे तुम बड़े बेदर्द हो। क्यों बेदर्द है? जब तुमने रायावत की लड़की मारू के साथ में एक बचपन में जिस वक्त जन्म हुआ था मेरा,
उस राजा बुद्ध की बेटी मारू का डले डल में साले करके आज वो जवान औरत अपने पीर में गुजरान करती है, जवान हो चुकी है। आज इसके गौने का पत्र आया है, जब हमारी मारू के साथ में शादी की थी तो श्रेवा रंडी के चक्कर में मुझे क्यों फंसा रखा बेटा, उसने कारण श्रेवा के जाल में। आज क्या मुझे बताने के काबिल नहीं था? काबिल नहीं था, क्या मेरा वहां पर काल था? बेटा काल लिखा है तुम्हारा। क्या काल? मैंने चूरा मर दानी को दरवाजे में चिनवा दिया है और उससे कह दिया कि हे दानव, तू मेरे से बदला तो नहीं ले पाएगा, मेरे अंश वंश का कोई आए उससे बदला चुका लेना, इसलिए बेटा तुम गौने के लिए जाओगे दरवाजा टूट कर गिर जाएगा, तुम्हारा काल लिखा हुआ है बेटा, जिस जगह तुम्हारा काल है वहां जाने की तुम्हें क्या जरूरत है, और इसीलिए मैंने तुम्हारी दूसरी शादी रेवा के साथ कर दी, तुम्हारी शादी चार और भी कर सकता हूँ। नहीं, और की जरूरत नहीं है, मुझे तो जरूरत उसी की है कि अब इस रेवा रंडी की जरूरत नहीं है। मेरे तन मेरा मारू बा मन मर मारू और मारू मन बंतरार मेरा बाप काल था तो काल। अकेले पुत्र हो तुम मेरे? कोई बात नहीं है, दो चार पुत्र और नहीं हुए पिताजी, और सात पांच जन्म भी है मुर्गी और जनऊ को तोड़ भी लिया खाए, और सात पांच जन्म भी कुटिया जो सब भूत बात मर जाए, जन्म जाके मारे बनी हमारी प्रार्थना है, मरना जीना है जग दुनिया में और कोई वीर दुनिया पर मर है ना है, और सर गमरैया है तब काबू की यहाँ पर कहना है हमारा आश्रम हमें आज्ञा दे दे गौने को जाने के लिए। बेटा सिर्फ मेरी तरफ से इतना ही इनकार है कि रघुवंशी छत्री नल है, मुख से कह देता है उस बात को बदलता नहीं है, मैंने मुख से कह दिया है कि वहाँ जाने की तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं है तो मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। तो आज तुम गौना लेने के लिए आज्ञा नहीं दोगे ढोला के लिए? नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं मुख से कह चुका हूँ नहीं जा सकता। आज तक पिता के सामने बेटा ने आज्ञा का पालन किया, बिल्कुल किया, लेकिन अब आज से आज्ञा उल्लंघन है। ऐसा क्यों है? ये दो रुपया कन्हैयालाल, इसलिए आज से यही प्रार्थना है क्या दे दो या क्या मुखिया अपने से ढोला लेकर लगाएगा रोती हमारे घर पिंगल में गौना लेने जाएगा, अरे आज्ञा तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं है और नहीं है। तो याद रखो जा रहा हूँ, नहीं जा सकते, कोई नहीं रोक सकता है मुझे। रोक सकता हूँ मैं? आप एक मिनट भी नहीं, तुम एक सेकंड नहीं जा सकते। जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। कहीं जाओगे तो यह भी पता चलेगा। कैसे जाऊंगा? सिपाही कृपाल सिंह, तना में ढिंढोरा पीट दो। किस तरह का?
इस तरह का पीट दो कि राजा नल का पुत्र ढोला कुंवर शहर पिंगुल के लिए अपना गौना लेने के लिए जाता है तो वो अपने पिता के बिना आज्ञा अनुसार जाता है। अबे साले बैराटी कली दे। ये चाहते हैं कि नरवर में किसी ने हाथी घोड़ा ऊंट मतलब कोई भी वाहन दे दिया। वाहन नहीं मिलेगा, जा नहीं सकता है। ठीक है, कोई घर देता है तो उसे सजाए मौत। ठीक है, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। प्यारे भाइयों, खलक खुदा का हुक्म बादशाह का। प्यारे भाइयों, भारत के सिपाहियों, हलवाइयों, नाइयों तथा कसाईयों, तमाम शहर को सूचित किया जाता है जो कोई ढोला कुंवर को किसी तरह की सवारी या कोई वाहन देगा सराय मौत पाएगा। याद रखो, अगर किसी ने बिना ऑर्डर बिना परमिशन कोई सवारी दे दी सजाए मौत मिलेगी। कर दी। अरे भाई बछेड़ा, ये महाराज आज तुमको सर पिंगुल के लिए चलना है। हम चलने से असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हो? हमारे पैरों में रानी देवा ने कीले ठुकवा दी है। वो क्यों ठुकवा दी है? ठुकवा दी महाराज। क्यों ठुकवा दी है? बोलो से असमर्थ हो। जा न पाए। ये जा न पाए। देखे तो वास्तविक बात है। रेबा है सारे, कोई चक्कर है? घोड़ा तो सभी बेकार कर डाले हैं, सभी के सोमो में किलो ठकवा दिए। चलो हाथियों के पास चलना चाहिए। हाथी मेरे साथी, क्या बात है? क्या बात है? आज तुमको हमारे साथ शहर पिंगुल के यहाँ से चलना है, है? शहर पिंगुल के लिए। हम तो भाई असमर्थ है। क्यों? रानी रेवा ने हमारे पैरों में लोहे की सरांगे गड़वा दी। लोहे की सलांगे? घाव दुख रहो साहब। तो साला ये रेवा ने हाथी बेकार कर डाले। हम कहना चलो जाते हैं। भाई तुम्हारा कोई कब्जा है? हम कहना चलो जाते हैं। रोज 20 बार तुरवा देते पीठ पे। इतनी बेकार है क्या ये चक्कर है साला? कोई बात नहीं है। आधी रात बजन बाराती और थी अंधेरी रात और ढोला रोवत जाए रोए और नरबर के धुरे परो वही जाए। प्यारे भाइयों, ढोला ने सोचा कि दिन में नहीं चलूंगा, चलना तो जरूरी है, पिता से कह चुका हूं कि जाऊंगा तो चाहे कितने ही दिनों में पहुंचूं तो गौना लेने जरूरी जाऊंगा, इसलिए रात्रि में पैदल चलना ठीक है, नरवर से निकलना तो अंधेरी रात थी। कि ले लेता नाम ता मारू की ढोला रोवा तुझा आए रो। अरे अगर मारू रानी जो मिलेगी ढोला कंवर नाय। घोड़े पर कड़ा पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, उसने देखा आज हमें 12 साल से नरवर हो गया है। किसी ने ढोला कुंवर का, किसी ने मारू बहन का नाम नहीं लिया। आज ये अंधेरी रात में ये मारू का नाम कौन ले लेके रो रहा है
और कहता है मारू अगर नहीं मिलेगी तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। बूझना चाहिए कौन है। अरे भाई कौन है आधी रात पर यहाँ। मैं ढोला कुमार हूँ, राजा नल का बेटा ढोला कुमार हूँ। क्या कारण है आज मारू मारू कहकर पुकारते हो रात्रि के समय पर। बताऊंगा, तुम कौन हो। मैं हूँ करहा। करहा क्या होता है। ऊंट। ऊंट पर बैठा जाता है। सवारी होती है। सवारी होती है। जी हाँ। एक बात मुझे बताओ। हाँ। आप पूछते हो कि मारू का नाम। जी हाँ। क्यों लेके रो रहे हो। और क्या। गौने की तो आज चिट्ठी आई गई है नरवा। गौने की तो चिट्ठी आ रही आई गई कि मेरी नरवार में। अरे पिता आ गया तो मैया ने दई जाने की ना। का पत्र आया है। इस नगर में रेवा ने सवारी सभी बेकार कर डाली है। दे दो रुपया। नरसिंह वीरानिया और रामू टेलर ये म्यूजिक सेंटर जेथरा बस स्टैंड जेथरा ये 2 रुपए का उसका हार्दिक धन्यवाद। अरे भाई ढोला सजा दे। हाँ। आज 12 साल बाद तुमने याद करी। आज मुझे पता भी लगा है कि एक राजा बुद्ध की लड़की मारू के साथ में हमारी शादी की है। उसी के गौने का पत्र आया है। तुम्हें मालूम है इस खातिर हमें आज 12 साल पड़े पड़े हो गए यहाँ पर। हमारी खातिर। जी हाँ। तो तुम चल सकते हो। बिल्कुल चल सकते। रे प्रिय बंद तुम्हें मैंने से गिर कराए मैंने पान सदा आस करा तुम्हारी राखी नैया खेल गए पार। तुम्हारी आस की है मैंने। ये बताओ तुम चल सकते हो। चल तो सकते हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त तुम्हारी शादी हुई थी उस वक्त हम जैसे करहा यानी ऊंट तुम्हें 750 दहेज में मिले थे। वो कहाँ हैं। राजा बुद्ध दिए थे, लेकिन रेवा रानी ने एक एक करके सबको खत्म कर डाला। उन सबको मरवा डाला। सबको मरवा डाला। तो तुम्हारी सिर्फ हम अपनी चालाकी से बचे हुए। तमाम खून पड़ा हुआ है यहाँ पर। खून जमे रंगे हुई है। ये खून वून कुछ नहीं है, इसी बहाने से हम जी रहे हैं अभी तक। क्यों नहीं है।